केंद्रीय जल आयोग एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बढ़ते जल स्तर से संबंधित जारी सूचनाओं के अध्ययन के उपरांत क्लाइमेट सेल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि माह जून में औसत से 61% अधिक वर्षा हुई तथा राप्ती व सरयू एवं उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राप्ती व सरयू घाघरा एवं सहायक नदियों व तटबंधों पर स्थापित बाढ़ चौकियों को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील कर दिया जाए और किसी भी अपरिहार्य स्थिति से संबंधित सूचना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर हैं, सभी संबंधित विभागों द्वारा तैयारियां पूरी हैं, जिला प्रशासन बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय के स्तर पर, माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर तैयारी बैठक की जा चुकी है। सभी बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं, सभी लोग एक्टिव हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं और समस्त बचाव के कार्य कर सकेंगे। इसके लिए कोई टीम भी बनाई गई? हाँ, टीमें तो पूर्व से ही बनी हुई हैं। एक प्रोटोकॉल है किसको क्या करना है, राजस्व विभाग, बाढ़ खंड और अन्य विभागों को, जिसको जिस विभाग को जो कार्य करना है वो उसके लिए तैयारी उन्होंने कर लिया है। और हम लोग ऐसी स्थिति यदि आती है तो यहाँ पर कोई भी जनहानि या किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने देंगे।